दो बातें हैं, एक तो राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अप्रत्याशित बहुत से एग्जिट पोल तरह तरह की बातें दिखाते थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने विशेष रूप से ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को 11 जगहों पर हम लोग पराजित कर सके हैं। जो सरकार डबल इंजन की थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, यहाँ पर जनता, किसान, नौजवान ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। सरकार किसकी बनती है, गठजोड़ की सरकार बनी है, किसी भी दल को मैंडेट नहीं मिला सरकार बनाने का, एक खंडित जनादेश आया था। लेकिन जो संदेश गया है, जो राजनीतिक संदेश इस चुनाव के परिणामों से आया है, वो ये है कि दमन की, प्रतिशोध की, आक्रमण की, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। और संसद में जिस प्रकार का व्यवहार पहले हुआ, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित किया गया, मैं समझता हूँ उस प्रकार की कार्रवाई को लोगों ने पसंद नहीं किया। दो दो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया गया, और अब विपक्ष की एकता जो हुई है उससे एक संदेश इस निर्णय से जनता ने दिया है कि अब आने वाले समय में सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। सरकार का गठन कल परसों में हुआ है, लेकिन अभी से ही कई दलों में आशंकाएं पैदा हुई हैं, कोई शपथ लेने से मना कर रहे हैं, खींचतान शुरुआत हो गया है। अब समय बताएगा कि सरकार कितना चलती है, कितना कामयाब रहती है, लेकिन जनादेश ये इस बार खंडित लोकसभा का रहा और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हुआ है। और कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, हम सब ने मिलकर जो मेहनत करी है, उसका परिणाम आया है कि अब कांग्रेस के 100 से ज़्यादा सांसद हैं। और भाजपा चुनाव से पहले 303 सांसद लेके मैदान में उतरी थी, आज उनके 60-70 सांसद कम हुए हैं, और NDA जो 400 का दावा करता था, आज उनके 200 कुछ सांसद हैं। तो ये एक परिणाम कुछ हद तक संतोषजनक है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं विशेष रूप से राजस्थान के मतदाताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के और सहयोगी दलों के सांसद चुनकर लोकसभा में मंत्रिमंडल में पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की जो वापसी हुई है, इसका श्रेय किसको देना? नहीं, जो भी हम लोग जीत कर आए हैं, पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए हैं और पार्टी के नेतृत्व ने लोगों को उम्मीदवार बनने का मौका दिया है, और जो भी विजय मिली है वो सभी नेताओं और विशेष रूप से सभी कार्यकर्ताओं को उसका श्रेय जाता है। कार्यकर्ता कड़ी धूप में मेहनत नहीं करते तो हम कामयाब नहीं होते। जो भी हम लोग जीते हैं, सबके सहयोग, सबके सामूहिक नेतृत्व की मेहनत से जीते हैं, और जहां हम हारे हैं वहां पर अगली बार मेहनत करके और जीते हैं। पहली बात, जो नीट के पेपर की चर्चा हुई, अब जो परिणाम आए हैं, बहुत उसमें आरोप लग रहे हैं, और सरकार का जो स्पष्टीकरण आया है वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। लाखों लाख परिवार आज वंचित हैं, परेशान हैं अपने बच्चों के भविष्य को देखकर। सरकार के कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं हैं। आतंकी हमले कश्मीर में हो रहे हैं, और जैसा कहा गया मणिपुर के बारे में, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत पहले सचेत होना चाहिए था। देश के कोने में हिंसा हो रही है, अपराध किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे थे, और वहाँ की हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, उसका भी दुख हम सब लोगों को है। लेकिन अब उनके खुद लोग बोल रहे हैं तो जरूर सरकार इस पर संज्ञान लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट नहीं करके अब काम करना चाहिए विपक्षी। किसी भी राजनेता को, दल को, सरकार को विनम्रता का परिचय देना चाहिए, जनता के अरमानों को पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब तक 10 साल में जो सरकार चली वो घमंड अहंकार की सरकार थी। अब जनता ने आदेश दिया है कि घमंड को त्यागो और हम्बल और झुककर और समर्पण भाव से काम करने की जरूरत है।